Asus vivobook Go 15 AMD Ryzen 5 7520U प्रोसेसर के साथ आने वाला यह लैपटॉप कैसी बैटरी बैकअप देता है, कैसी इसके डिस्प्ले की क्वालिटी रहती है, स्पीकर्स की साउंड क्वालिटी कैसी रहती है और इसमें क्या क्या हम गेम्स खेल पाएंगे, कौन कौन से एप्लीकेशन इसमें अच्छे से हम यूज़ कर पाएंगे और क्या क्या काम इस लैपटॉप में ओवरऑल हम कर पाएंगे, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। बैटरी बैकअप कैसी मिलती है रियल लाइफ में ये भी आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इस लैपटॉप को खरीदने का बेस्ट बाय लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ऑनलाइन यह लैपटॉप आपको सस्ते मिल जाएगा तो वहाँ से क्लिक करके आप ले सकते हैं। चलिए हमारे पास कुछ फोटोज आपको दिखाते हैं और हमारे पास लैपटॉप की बहुत सारी फीडबैक भी है तो उससे आपको रियल चीज़ें पता चलेगी, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। Asus vivobook Go 15 AMD Ryzen 5 7520U प्रोसेसर जो इस लैपटॉप में यूज़ किया गया है वो काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है हेवी काम करने के लिए, जैसे कि आप वीडियो एडिटिंग करें या फिर आप फ्रीलांसिंग करें या फिर प्रोजेक्ट वगैरह आप इसमें कंप्लीट करेंगे अपने, कोई भी कोडिंग प्रोजेक्ट, एप्लीकेशन बनाना या फिर फोटो एडिटिंग, ये सारे काम जो है इस लैपटॉप में MS ऑफिस एक्सेल ये सारी चीज़ें जो है इस लैपटॉप में काफ़ी अच्छे से वर्क करती है, MS ऑफिस के सारे एप्लीकेशन इस लैपटॉप में काफ़ी अच्छे से काम करते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है। और यह जो लैपटॉप है इसके बैटरी बैकअप की बात करें तो रियल लाइफ यूजर्स में 6 से 7 घंटे का बैटरी बैकअप आपको मिलेगा 100% से 0% पर, यानी कि 100 से 0 करोगे तो 6 से 7 घंटे तक का बैटरी बैकअप आपको इजीली मिल जाएगा। इस लैपटॉप में जो रैम यूज़ किया गया वो 16 GB का रैम है, वो भी LPDDR5 जो कि फास्ट होता है, और यहाँ पे आपको लैपटॉप में स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिलेगी, बूटिंग स्पीड अच्छी मिलेगी, साथ ही साथ इस लैपटॉप में एप्लीकेशन ओपनिंग स्पीड जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और इस लैपटॉप में आप जो है काफ़ी फास्ट इंटरनेट यूज़ कर पाएंगे, यहाँ पे वाईफाई 6E का सपोर्ट मिलता है, लेटेस्ट जनरेशन वाईफाई आपको मिल जाता है इस लैपटॉप पे, जिससे कि आपको इंटरनेट स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिलती है, 5G इंटरनेट का मज़ा आप ले पाएंगे इस लैपटॉप में। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट है 5G तो आप हॉटस्पॉट ऑन करके 5G इंटरनेट चला सकते हैं और इवन वाईफाई से भी चला सकते हैं, जो जनरल वाईफाई जो लगते हैं घर में, तो इंटरनेट स्पीड इस लैपटॉप पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिलेगी और रेंज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, दूर के कोने कोने तक जो घर के कोने कोने तक जहाँ पे वाईफाई का नेटवर्क नहीं भी आता होगा, कम आता होगा, वहाँ पे भी इस लैपटॉप में आपको नेटवर्क अच्छी मिलेगी, दूर तक के लैपटॉप जो है वो रेंज को कवर करता है वाईफाई के रेंज को, यानी कि वाईफाई का रेंज आपको इस लैपटॉप में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिलेगा। इस लैपटॉप में आपको लेटेस्ट वर्जन ब्लूटूथ 5 देखने को मिल जाता है, जो कि आप इसको यूज़ कर पाएंगे ब्लूटूथ हेडफोन्स कनेक्ट करने में, स्पीकर कनेक्ट करने में, ये सारी चीज़ों में। बात करें इस लैपटॉप में हम पोर्ट्स के बारे में, तो यहाँ पे इस लैपटॉप में आपको USB टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, टाइप सी पोर्ट से आप बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट कर पाएंगे, साथ ही साथ यहाँ पे USB ए पोर्ट मिल जाता है और यहाँ पे USB 3.2 जनरेशन वाला पोर्ट मिलता है, और यहाँ पे इस लैपटॉप में आपको HDMI पोर्ट मिलता है जिससे कि आप इस लैपटॉप के डिस्प्ले आउटपुट ले पाएंगे और एक बड़े स्क्रीन में कनेक्ट करके इस लैपटॉप को यूज़ कर पाएंगे मॉनिटर में, प्रोजेक्टर में और अदर डिवाइसेस में। यहाँ पे आपको हेडफोन जैक का कनेक्टर मिल जाता है 3.5mm का, जिससे कि आप हेडफोन्स वगैरह लगा पाएंगे और इसमें आपको साउंड क्वालिटी आउटपुट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलती है। बात करें इस लैपटॉप के हम डिस्प्ले के बारे में, तो डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, विविड है और पंची कलर्स प्रोड्यूस करता है, 60Hz का डिस्प्ले इस लैपटॉप में यूज़ किया गया है, बेजल्स काफ़ी कम मिलते हैं और यहाँ पे आपको आउटडोर में भी विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिलती है, आपको शिकायत नहीं होगी डिस्प्ले में, ब्राइटनेस में आपको कोई कमी फील देखने को नहीं मिलने वाली है। इस लैपटॉप में आपको 1 साल की वारंटी मिल जाती है और बॉक्स के अंदर आपको बिल मिल जाएगा, तो ओवरऑल आपको 1 साल तक कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, और ये जो लैपटॉप ऑनलाइन लेंगे तो भी ये वारंटी आपको मिलेगी, ऑल ओवर इंडिया में आपको इसकी सर्विस जो है वो मिल जाती है। ओवरऑल देखा जाए तो बैटरी बैकअप काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, स्टूडेंट के लिए लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए हो, वीडियो एडिटिंग करने के लिए हो, फोटो एडिटिंग करने के लिए हो, या फिर गेम्स खेलने के लिए हो, यह लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चलेगा, और इवन इंटेल के जो प्रोसेसर आते हैं इंटेल का i5 उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जो है राइजन 5 7520U प्रोसेसर जो है वो परफॉर्मेंस निकाल कर, डेफिनेटली आप इस लैपटॉप को खरीदिए, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लैपटॉप है। इसको खरीदने का बेस्ट बाय लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ पर क्लिक करके आप ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन आपको यह लैपटॉप सस्ते में मिल जाएगा, बेस्ट बाय लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, लिंक पर क्लिक करिए ऑर्डर करिए, ऑनलाइन आपको सस्ते में मिल रहा है।